मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश का 68वां स्थापना दिवस आज है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। आज बुधवार को प्रदेश में कई जगह अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल वल्लभ भवन स्थित पार्क में वंदे मातरम और जन गण मन का गायन हुआ। मध्य प्रदेश गायन का भी सामूहिक गायन हुआ है। आदर्श आचार संहिता के चलते कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कभी हम बीमारू थे लेकिन आज सुचारू है। ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और यह समय दूर नहीं जब मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में देश का नंबर वन राज्य होगा। आइए हम सब मिलकर समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएं। मध्य प्रदेश में इंदौर ग्वालियर शहर के साथ साथ महाराष्ट्र से सटे जिले छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, पांडुना और बुरहानपुर ऐसे हैं जहां मराठी बोलने वाले निवास करते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन यहां से एमपी में भी दस्तक दे सकता है। यह डर कांग्रेस भाजपा दोनों दलों के नेताओं को है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन ने यहाँ एमपी में भी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहा है। प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर और महाराष्ट्र से सटे जिले छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, पांडुना और बुरहानपुर में बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग निवास करते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को यह डर है कि कहीं महाराष्ट्र से उठी आरक्षण की आग मध्य प्रदेश में ना आ जाए, क्योंकि इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बड़े दल इस पूरे मामले में अभी खुलकर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने निशाना साधा। उन्होंने शिवराज के बयान पर पलटवार जवाब देते हुए कहा है कि जनता जान गई है प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने वाली है। जनता इस बार भ्रष्ट सरकार को प्रदेश से हटा देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार किया है। पीसीसी चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि शिवराज जी, आपकी साफ गोई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने अपराधों को पहचान लिया और खुद ही सत्ताच्युत करने के लिए जनता का आह्वान कर दिया। आपने कहा है कि मध्य प्रदेश को ऐसे हाथों में ना सौंपे जो मध्य प्रदेश की तबाही और बर्बादी के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अंधेरों का गड्ढा का प्रदेश बना दिया, भ्रष्टाचार और घोटालों का प्रदेश बना दिया। ये सारे काम आपने किए हैं और जनता आपको कुर्सी से हटाने वाली है। इंदौर के गांधीनगर में एक ताजा मामला सामने आया है जहां क्षेत्र के मंगल मार्ग स्थित ब्लॉसम एकेडमी स्कूल में वर्ग विशेष की टीचरों द्वारा बालिकाओं को कुमकुम व चंदन के टीके लगाकर स्कूल आने से मना किया गया। क्षेत्र की बालिका आंचल चौकसी को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया गया कि अगर यह सब लगाना हो तो कल से स्कूल मत आना। जब इस बात की सूचना बजरंग दल मालवा प्रांत अधिकारी तनुज शर्मा को लगी तो उन्होंने तुरंत बजरंग दल कार्यकर्ताओं को स्कूल भेजा और मैडम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे की सूचना लगते ही मौके पर पहुंचे स्कूल की प्रिंसिपल से बजरंगियों ने चर्चा कर कहा कि ऐसी कट्टर इस्लामिक मैडम को स्कूल में नहीं रखा जाए। अगर आपने उसे स्कूल से नहीं निकाला तो बजरंग दल आपके स्कूल का विरोध प्रदर्शन करेगा। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि मुस्लिम महिला टीचर को कार्यवाही कर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मालवा निमाड़ में इंदौर की 1 नंबर विधानसभा सीट सबसे चर्चा में है। इस सीट पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला आमने सामने हैं। कांग्रेस उम्मीदवार शुक्ला ने नामांकन पत्र में पश्चिम बंगाल में बलात्कार के केस और छत्तीसगढ़ में दर्ज एक अन्य केस की जानकारी छुपाने के मामले में विजयवर्गीय को घेरा है। इस मामले में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायत की है लेकिन आयोग ने आपत्ति खारिज कर दी है। अब कांग्रेस इस मामले को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने कहा है कि विजयवर्गीय की अफसरों से मिली भगत है, इसलिए दो आपराधिक प्रकरणों की जानकारी न देने के बावजूद अफसरों ने नामांकन पत्र मंजूर कर दिया। अब इस मामले में हम हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे। सापरा ने कहा है कि बंगाल के अलीपुर में एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए प्रकरण के मामले को खुद विजयवर्गीय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।